फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो बॉलीवुड दम चैनल। दोस्तों, आज हम जानेंगे थगो हिंदुस्तान का फर्स्ट कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, बहुत से लोगों के दिमाग में सवाल है, क्या थगो हिंदुस्तान बाहुबली 2 का फर्स्ट का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या फिर नहीं। तो चलिए इस सवाल का जवाब पता करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थगो हिंदुस्तान का स्क्रीन काउंट को लेकर। दोस्तों, थगो हिंदुस्तान इंडिया में लगभग 5000 स्क्रीन पर रिलीज होगी, 4800 स्क्रीन हिंदी में रिलीज होगी और 2000 स्क्रीन जो है तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी। वहीं बाहुबली 2 का बात करें तो बाहुबली 2 को इंडिया में हिंदी वर्जन में लगभग 3000 प्लस स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। तो स्क्रीन के मामले में थगो हिंदुस्तान बाहुबली 2 से बहुत ही आगे है। टिकट प्राइस की बात करें तो थगो हिंदुस्तान का जो टिकट प्राइस होने वाला है वो बाहुबली 2 से काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो थगो हिंदुस्तान देखने की, तो आपको पॉकेट बहुत ज़्यादा ढीली करने पड़ेगी। तो दोस्तों, सीधे बात कर लेते हैं थगो हिंदुस्तान का फर्स्ट डे कलेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बाहुबली 2 की। दोस्तों, बाहुबली 2 को जो मॉर्निंग ऑक्युपेंसी मिली थी वो लगभग 60-70% की थी। उसके बाद नून में 70-80 हो गई और इवनिंग में हाउसफुल थी। अगर थगो हिंदुस्तान को मॉर्निंग में 60-70% का ओपनिंग मिलता है तो मेरा मानना है ये ऑक्युपेंसी बाहुबली 2 का 80-90% ऑक्युपेंसी का बराबर होगा। क्यों? आप सबको पता ही होगा थगो हिंदुस्तान का जो स्क्रीन काउंट है वो बाहुबली 2 से बहुत ज़्यादा है और टिकट प्राइसिंग भी जो होने वाला है वो बाहुबली 2 से बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, अगर 50-60% का ओपनिंग भी अगर बाहुबली थगो हिंदुस्तान को मिलती है तो ये बाहुबली 2 का 70-80% का बराबर होने वाला है। तो आप सोच ही सकते हो ये मूवी 100% बाहुबली 2 का फर्स्ट डे का रिकॉर्ड तोड़ सकती है अगर इसको ओपनिंग 50-60% की मिल जाए। जैसा कि आप सबको पता होगा, ये मूवी एस राज फिल्म्स की है, तो ये बहुत चर्चित मूवी है। तो 100% चांस है ये मूवी को 60-70% की ऑक्युपेंसी मिल जाए मॉर्निंग में। अब फिल्म का जो रिपोर्ट कार्ड आएगा उसके बाद पता चलेगा इवनिंग और नाइट शो एक कैसे परफॉर्मेंस करती है। अगर मूवी अच्छी हुई तो 90-100% चांस है ये मूवी बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ देगी। अब सवाल आता है, अगर तोड़ भी देगी तो थगो हिंदुस्तान का फर्स्ट डे कलेक्शन क्या होगा। इतना आपको गारंटी मैं देता हूँ, फर्स्ट डे कलेक्शन जो होगा थगो हिंदुस्तान का वो लगभग 40-60 के बीच में रहेगा। 40 के ऊपर ही जाएगा, 40 के नीचे नहीं आएगा। क्योंकि मैं इतना जानता ही हूँ, आमिर खान की मूवी है, ऐशराज फिल्म की मूवी है, मूवी के सॉन्ग जो है बहुत ही अच्छे हैं, मूवी का ट्रेलर को बहुत पसंद किया गया है। तो 100% चांस है इस मूवी को 50+ ऑक्युपेंसी मिली मॉर्निंग में। और अगर मूवी का रिकॉर्ड अच्छा आए तो नून इवनिंग तक मूवी हाउसफुल भी हो जाए फर्स्ट डे में। आजकल लोग टिकट प्राइस का उतना माइंड नहीं करते, अगर मूवी अच्छी हुई तो जेब ढेली करके भी मूवी देखने जाते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि ये मूवी अच्छी हो, और अगर अच्छी होगी तो 101% चांस है ये मूवी 50 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करेगी। तो दोस्तों, मेरा फाइनल प्रेडिक्शन है इस मूवी को लेकर 52-58 करोड़। दोस्तों, आपका प्रेडिक्शन क्या है इस मूवी का फर्स्ट डे का कलेक्शन को लेकर, जरूर कमेंट में बताइए। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सब्बा खैर।